सभी को राधे राधे। मैं अंशु सिंह और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए आज फिर एक नया भजन, और वो भजन मैं आज आपको भंगड़े पर सिखाऊंगी, यानी कि जो भेंट माता रानी की मैं गाने वाली हूँ वो भंगड़े पर है। पिछली बार मैंने आपको ढोलक पर एक माता रानी की भेंट सुनाई थी, और अब मैं आपको भंगड़े पर माता रानी की एक भेंट सुनाऊंगी। और उसे सुनाने से पहले सभी से मेरा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी हर वीडियो को लाइक करें। तो चलते हैं और शुरुआत करते हैं उस भेंट की जो भंगड़े पर गाई जाती है। और ये भेंट जो गायक है राव अवतार शर्मा जी, उनसे मैंने सुनी थी, मतलब उनको सुना था मैंने गाते हुए यूट्यूब पर, तब मैंने ये भेंट माता की चौकी में गाई थी। तो वही भेंट आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ। तो शुरुआत करते हैं और कहते हैं बोल सच्चे दरबारी की जय। तो भेंट है, पहाड़ों में जा छुपी हो क्या मर्जी है माँ तुम्हारी, पहाड़ों में जा छुपी हो क्या मर्जी है माँ तुम्हारी, हम दर्शन को खड़े हैं कब आए हैं कि मेरी मारी, हम दर्शन को खड़े हैं कब आए हैं कि मेरी मारी, पहाड़ों में जा छुपी हो क्या मर्जी है माँ तुम्हारी, मैंने आपको एक बार सिखाया था कि ढोलक में हम एक छोटा सा ट्विस्ट लगाते हैं, ये मैंने आपको सिखाया था। तो ये जो ट्विस्ट है मैं यहां भेंट में लगा रही हूं, और एंड कैसे किया था कि पहाड़ों में जा छुपी हो क्या मर्जी है माँ तुम्हारी, हम दर्शन को खड़े हैं, यानी कि हम दर्शन को खड़े हैं। पांच, इसमें कोई मिक्स नहीं है, सिर्फ सिंगल सिंगल पांच लगाई गई है, हम दर्शन को खड़े हैं कब आएगी मेरी बारी, हम दर्शन को खड़े हैं कब आएगी मेरी बारी। चेंजिंग स्टेप मैंने बहुत स्लो लगाया है, यानी कि भंगड़े में जो हम स्लो स्टेप चेंज करने के लगाते हैं वही हमने यहां लगाया है। और शुरुआत करते हैं इसकी पहली कड़ी की, कैसे गाएंगे उसे हम, गलती क्या हो गई है मुझको बता दे मैया, खाली न खाली, ठीक है। तो इस पर हम कैसे बजाएंगे, अब मोड़े ना न खाली न खाली आशा है दिल में भारी, अब मोड़े ना न खाली आशा है दिल में भारी। हम अब फिर वही लौट कर आ गया, हम दर्शन को खड़े हैं, यानी कि हम दर्शन को खड़े हैं कब आएगी मेरी बारी, हम दर्शन को खड़े हैं कब आएगी मेरी बारी। बारी पर हम चेंजिंग का स्टेप लगाते हैं, आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आए, यानी कोई भी स्टेप समझ में नहीं आए भजन में, कहां मैंने किस स्टेप को बजाया है, वो आप मुझे बेझिझक पूछ सकते हैं। जितनी भी ढोलक मैं भजन में भेंट में गाती हूं वो मैं सारी आपको सिखा चुकी हूं, अभी भी आपको इसके बावजूद भी अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। तो चलते हैं और दूसरी कड़ी की शुरुआत करते हैं, दोबारा इस स्टेप को फिर से देखते हैं, हम दर्शन को खड़े हैं कब आएगी मेरी बारी, हम दर्शन को खड़े हैं कब आएगी मेरी बारी।
आएगी मेरी बारी, यानी कि इसी स्टेप पर हम ये वाला स्टेप बजाएंगे, बाकी चेंजिंग का स्टेप बजा देंगे। और कहते हैं अब भूल को भुला दे, थोड़ा प्यार माल आएगी मेरी बारी, इस लाइन पर भंगड़ा ही बजेगा। आप इस भेंट को YouTube पर सुनकर देखिए, फिर इस ढोलक को देखिए, आपको लगेगा कि हाँ एक एक स्टेप बिल्कुल सही बजाया गया है। तो चलते हैं, और आपसे चलते चलते फिर कहना चाहूंगी कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। और हां ये भी कहना चाहती हूं कि अगर आपकी कोई भेंट हो जो आप नौ रूपों में गाते हो और मेरे माध्यम से सुनना चाहते हो तो मुझे जरूर लिखकर भेजें, मैं वो भेंट आपको अपने माध्यम से सुनाऊंगी। तो चलते हैं, और सभी को कहना चाहती हूँ राधे राधे।